हेलो गाइस, वेलकम टू रगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, डेली टेक अपडेट के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। गर्मा गर्म न्यूज यहां पर लेके आ चुका हूं मैं, तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भाई दोपहर में मैंने एक और एक वीडियो डाला था सैमसंग गैलेक्सी M40 के ऊपर, कब लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे और क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, सारी चीजें डिटेल में था सैमसंग गैलेक्सी M40 के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की पहली खबर के बारे में बात करें जाता है रेडमी की तरफ से। रिसेंटली यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर रेडमी नोट 7S इंडिया में लॉन्च हो गया था 48 मेगापिक्सल 11,000 की प्राइस पॉइंट पे। फ्लैश सेल में डेफिनेटली शाओमी के फोन आते तो भाई फ्लैश सेल में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे नीति की इतनी जल्दी ओपन सेल पर चले जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट या आप me.com से यहाँ पर आप इसे परचेस कर सकते हो। आज रात 12 बजे से ये ओपन सेल में जाएगा, आपको 24 घंटे में जब भी परचेस करना आप डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी रेडमी नोट 7 प्रो भाई ओपन सेल में कब लाओगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है नोट 7 प्रो कब से ओपन सेल में जाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, सेकंड न्यूज के बारे में बात करें तो ये आती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट का एक और एक सेल यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, सिर्फ स्मार्टफोन का नहीं रहेगा, पूरे सारा चप्पल जूता और हर एक चीज का यहाँ पर ये सेल रहने वाला है। यहाँ पर इसका नाम रहना फ्लिपकार्ट फ्लिप स्टार्ट डे सेल, और ये आपका 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में रहने वाला है। और इसमें आपका एक्सिस बैंक पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक्सिस बैंक यूज करते हो, कार्ड यूज करते हो, तो डेफिनेटली 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में फ्लिपकार्ट पे चले जाओ। अगर अच्छा ऑफर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप ये चीजों का फायदा उठा सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सेल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको अच्छी है तो डेफिनेटली मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करूं तो ये क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज है भाई। आज है 30 मई, आईसीसी का यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड एंड वेल्स में यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी वगैरह भी कल हुई थी। अब मैं आप बोलोगे भाई टेक न्यूज में मैं आपको क्यों बता रहा था, टेक न्यूज में भी यहाँ पर भाई क्रिकेट के फैन आते हैं तो वो लोगों को भी यहाँ पर बताना जरूर रहता है। 4 जुलाई को यहाँ पर ये लास्ट चलेगा, फाइनल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया खबर यह है कि भाई अगर आप बिजी हो, काम में हो या कहीं भी हो, आपको स्कोर वगैरह फटाफट से चेक करना पड़ता है, तो भाई आप डायरेक्टली अगर गूगल खोल देते हो, गूगल पर बहुत बड़ा यहां पर आपका आइकॉन बना हुआ देखने को मिलेगा। वहां पर अगर आप टैप कर देते हो किसने कितना रन मारा, लाइव स्कोर क्या देखने को मिलता है, शेड्यूल क्या है, आगे की मैच कौन सी है, सारी चीजें आपको आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की देखने को मिल जाएगी। तो गूगल भी यहां पर लगता है क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है। अब सबके लिए भी यहां पर गुड न्यूज है कि भाई स्कोर 1 टैप में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ये वर्ल्ड कप आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है यहां पर ये वर्ल्ड कप कौन सी टीम यहां पर लेके आएगी 2019 में, बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर फोल्डेबल स्मार्टफोन का पेटेंट यहाँ पर फाइल किया था, अब फाइनली वो अप्रूव हो चुका है और अब यहाँ पर आपको फोल्डेबल आईफोन्स देखने को मिलेंगे 2 से 3 साल बाद रिटेल मार्केट्स में। अभी फिलहाल बैकग्राउंड में यहाँ पर ये काम चल रहा है, तो फोल्डेबल आईफोन यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको ग्लोबली देखने को मिलेगा। मेरे को तो भाई सिर्फ एक टेंशन है कि भाई रेगुलर जो 10S, 10X Max वगैरह है 1 लाख 1.5 लाख इसकी प्राइसिंग है, फोल्डेबल स्मार्टफोन आते हैं तो भाई कितना 5-6 लाख यहाँ पर चले जाएगा। आपको क्या लगता है फोल्डेबल आईफोन की यहाँ पर जो इंडिया में प्राइसिंग स्टार्ट कितने तक की हो सकती है, गेस करो, बताओ नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो आता है गूगल पिक्सल 4 को लेके। अभी कुछ ही महीने में यहाँ पर ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन रेंडर्स आना भाई कभी नहीं रुकते और रेंडर्स इसके भी सामने आ चुके हैं। फ्रंट पैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन गार्ड इसका लीक हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले बताया जा रहा है आपको गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 Plus में देखने को मिलता है। तो फ्रंट साइड तो लीक हो चुकी है, अब बैक में क्या रहने वाला है पता नहीं, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि भाई एक ही कैमरा रहेगा और काफी जबरदस्त रहने वाला है, और 855 भी आपको गूगल पिक्सल 4 और 4 XL में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपसे एक सवाल ये है, क्या कभी आपने अपनी लाइफ में पिक्सल के डिवाइस यूज करो या नहीं करो, बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो क्या आप Redmi Note 7 Pro यहाँ पर इंडिया में यूज करते हो, और अगर आप करते हो तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपडेट्स आना शुरू हो जाएगा। 10.3.5.0 का अपडेट जो कि आपको यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच वहां पर देखने को मिल जाएगा, और न्यू AI कैमरे का यहाँ पर आपको एक मोड भी देखने को मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कैमरे में भी यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा गया है यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल रोम पे। तो अगर आप Redmi Note 7 Pro यूज करते हो पैचेस वाइज आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा वेट कर लो, ओवर OTA अपडेट आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा जो कि कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप Redmi Note 7 Pro यूज करते हो या नहीं करते हो, बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओप्पो रेनो आप सभी को पता है कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, और रेनो 10X जूम स्पेशल एडिशन भी लॉन्च हुआ था 30-40 हजार की प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था।
लेकिन अब यहाँ पर उसके छोटे भाई को यहाँ पर चाइना में लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम है ओप्पो रेनो जेड। ये प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा यहाँ पर ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इन चाइना। साथ में अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो डिजाइन है ओप्पो रेनो जैसे ही बैक पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हो डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक फोटो टॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। साथ में यहाँ पर आपको जो स्टोरेज है इंडिया वाला अलग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P90 देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, या बोल सकते हो मीडियाटेक की तरफ से एक फ्लैगशिप चिपसेट यहाँ पर यूज करा गया, P70 का अपग्रेड मॉडल है। साथ में अगर हम बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा दिया हुआ है 48+5 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, 4035 mAh की बैटरी है, वुक चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर ओप्पो रेनो जेड जो है काफी जबरदस्त डिवाइस है। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो इसका बेस वेरिएंट है, या बोल सकते हो दो वेरिएंट है, दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करे गए। जो पहला वेरिएंट है उसमें आपको 256GB प्लस 6GB रैम के साथ में 25,000 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। जो सेकंड वेरिएंट है उसमें आपको 128GB की स्टोरेज मिलेगी 8GB रैम के साथ में। तो कॉम्बिनेशन यार एकदम से अलग बिठा है, लेकिन दोनों ही वेरिएंट आपको 25,000 की प्राइस पॉइंट के साथ में देखने को मिल जाता है। 25,000 में कैमरा जबरदस्त, डिस्प्ले जबरदस्त, साथ में हीलियो का P90 देखने को मिल रहा है, वुक चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में जबरदस्त स्मार्टफोन यहाँ पर ओप्पो ने लॉन्च करा है। अब देखते हैं यहाँ पर ये इंडिया में कब आता है, लेकिन लॉन्च तो होगा ये डेफिनेटली कंफर्म है। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, तो मेजू ने भाई अपना एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन नया लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मेजू 16XS। बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट जो रखी गई है 664 वाले वेरिएंट की, वो रखी गई है 17,000 रुपए अभी फिलहाल के लिए। तो ये चाइना में लॉन्च हुआ है। साथ में बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो बिल और डिजाइन टिपिकल मेजू जैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी टाइप का पैनल है। साथ में डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 6.2 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पंचोल वगैरह नहीं है, थोड़े थोड़े आपको ऊपर नीचे बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, साथ में 664 और एक 128 प्लस 6GB रैम वाले वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। कैमरास यहां पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है, 4000 mAh की बैटरी है, फ्लाइमी ओएस पर यहां पर ये रन करता है, फास्ट चार्जिंग टाइप वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल फोन काफी जबरदस्त है। अब मेजू इंडिया से भाई क्या रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि जब भी आते हैं भाई इंडियन ऑडियंस को यहां पर ये नाराज करते हैं, चाइना वाले लोगों के लिए पूरा प्यार भरा हुआ है, क्या बोल सकते हैं भाई। अब देखते हैं इंडिया में यहां पर ये फोन कब आता है, एग्रेसिव प्राइसिंग पे अगर लॉन्च करते हैं एमोलेड डिस्प्ले वगैरह के साथ में, डेफिनेटली ये भी मार्केट में काफी तबाही मचा सकते हैं, अगर 15,000 तक के इंडिया में आ जाता है तो। गाइस ये थी मेरी तरफ से यहां पर डेली टेक न्यूज का एपिसोड नंबर 3 की न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी फेवरेट न्यूज यहां पर ये पूरी टेक न्यूज में कौन सी थी, ये कोई इंप्रूवमेंट की मुझे यहां पर जरूरत है टेक न्यूज के लिए स्पेशली, बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरे तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। We'll be right back.